उसके बाद काम फिर अपने आप खुद आपको ढूंढते हुए आएगा। जैसे अभी हम जब गोरखपुर में शूट कर रहे हैं तो हमारे सेट पे जितने भी बच्चे आते हैं वो जब ये कहते हैं कि हमको एक एक कोई छोटा सा रोल करना है, तो कल ही हम लोग एक शादी का सीक्वेंस शूट कर रहे थे और उसमें तीन नए बच्चे गोरखपुर के आए और उन्होंने पूरा डांस वांस किया, बहुत अच्छे से एक्टिंग किया और उनको वो प्लेटफॉर्म मिला, उनको काम आता था इसलिए वो कर पाए। तो ऐसे जब लोग सीखे हुए रहेंगे, चाहे डांसिंग स्कूल्स में चाहे एक्टिंग स्कूल्स में, उनको काम आता होगा तो काम अपने आप उनको ढूंढते हुए उनके पास पहुंच जाएगा। मैम एक चीज का सवाल है, पूर्वांचल पिछड़ा जन्म आता था, मानसिक लोग पिछड़े रहते थे, आप एक लड़की होकर यूनिवर्सिटी में आई, क्या आपको कुछ इच्छाओं का सामना करना पड़ा? नहीं, मैं बहुत भाग्यशाली रही हूँ इस मामले में कि मेरे परिवार ने हमेशा हर कदम पे मेरा साथ दिया है, चाहे वो मेरे पेरेंट्स हो, मेरे चाचा चाची हो या यहाँ तक कि मेरी दादी हो। मेरे घर में कभी भी, हम लोग बहुत सारी बहनें हैं, चाचा चाची सबके बच्चे मिला के, और हमें कभी भी डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया। जितना स्नेह हमारे भाइयों को मिला है उतना ही स्नेह और उतना ही हर चीज में फ्रीडम हम बहनों को भी मिली है। पर हाँ, कभी कभी ये सुनने में मिलता है कि यहाँ पे परमिशन नहीं देते हैं लोग, तो मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग ट्रस्ट कीजिए अपने बच्चों पे और उनके साथ शूट पर जाइए, उनको थोड़ा समय दीजिए, उनको ग्रूम कीजिए ताकि उनको कभी भी फ्यूचर में ऐसा ना लगे कि अगर मेरे पेरेंट्स ने साथ दिया होता तो शायद मैं बहुत कुछ अच्छा कर लेती और पापा ने मना किया इसलिए नहीं कर पाई। तो एक चांस तो हर बच्चे को मिलना चाहिए। अभियान जो महिलाओं को बढ़ाने के लिए है सर, क्या इससे फायदा मिल रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। हम लोगों को बहुत हिम्मत मिलती है जब हम देखते हैं कि हमारी गवर्नमेंट, हमारे सीएम इतने ज्यादा स्टेप्स ले रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, और जब पता होता है कि आपके साथ कोई खड़ा है इस मामले में तो अपने आप एम्पावरमेंट अपने अंदर से बाहर आती है। मैम सभी जैसे सांसद से दावेदारी की है, रवि किशन जी भी की है, तो क्या जो भोजपुरी बॉलीवुड से संबंधित है जो है, तो क्या आप भी राजनीति में एंट्री करेंगी? मुझे ना बिल्कुल नहीं पता, मैं जब स्कूल में थी तो मुझे नहीं पता था कि मैं एक्टर बनूंगी। मैं जब एक्टर बनी तो मुझे ये नहीं पता था कि मैं फिल्म्स करूंगी, तो मुझे कुछ नहीं पता। मैं खाली इतना जानती हूँ कि मुझे अपने लाइफ में हर कदम पे एज अ रिस्पॉन्सिबल